क्या चीज का पौधा है? ये शिवलिंग का पौधा है जी, शिवलिंग, शिवलिंग, शिव का जो लिंग, शिवलिंग जो होता है उसका पौधा है। और जस्ट उस तरफ जो है ये रुद्राक्ष का पौधा है। जो महंत जो आए थे उनके हाथ से हमारे यहाँ एक रुद्राक्ष और दूसरा शिवलिंग का पौधा भी लगाया गया है। ये शिवलिंग का पौधा है और वहाँ रुद्राक्ष हो रहा था कि जय श्री राम, जय श्री राम नहीं होना चाहिए, जय सिया राम। अभी हम लोग लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज चंपारण के धरती धन्य हो गया। और यहाँ पे बता दें जनकपुर धाम से साधु संत यहाँ पे आए हुए थे और उनका भव्य स्वागत किया गया था। और बता दें कि वे लोग यहाँ से अभी निकले हुए हैं अयोध्या के लिए और यहाँ के डायरेक्टर कुंदन सर है और इनसे विशेष यहाँ से जानकारी लेंगे कि यहाँ पे विशेष क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो आपको स्वागत है, जय सिया राम। जय जय सिया राम। यहाँ जनकपुर धाम से जो लोग भी भार यात्रा के लेकर के आए थे उनका भव्य स्वागत हुआ है। इसका क्रेडिट जाता है प्रकाश राय जी को। प्रकाश राय जी के ही देख रेख में इस यात्रा का शुरुआत हुआ है। और यहाँ हम सभी लक्ष्य परिवार के तरफ से और यहाँ चंपारण के जो भी राम भक्त थे उन लोगों ने सम्मिलित होकर के उनका स्वागत किया। और हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा शुभ माहौल था, मौका था, क्योंकि गुरु जी के जो महंत जो आए थे उनके हाथ से हमारे यहाँ एक रुद्राक्ष और दूसरा शिवलिंग का पौधा भी लगाया गया है। ये शिवलिंग का पौधा है और वहाँ रुद्राक्ष का पौधा लगा है। क्या चीज़ का पौधा है? ये शिवलिंग का पौधा है जी, शिवलिंग, शिवलिंग, शिव का जो लिंग, शिवलिंग जो होता है उसका पौधा है। और जस्ट उस तरफ जो है ये रुद्राक्ष का पौधा लगा हुआ है। अच्छा, शिवलिंग हम पहली बार सुने हैं, क्योंकि वहाँ पे जनकपुर धाम जो है वहाँ पे इसका वृक्ष लगा हुआ है, उसी का पार्ट ये है यहाँ पे। तब समझे जो हमारी धरती भी धन्य हो गई, क्योंकि जनकपुर मंदिर में जो पौधा है उसी का पार्ट जो है यहाँ पर भी आज हमारे यहाँ महंत जी के द्वारा लगाया गया है। अच्छा, रुद्राक्ष के उधर है जी, रुद्राक्ष पे भी दिखाते हैं पौधा। और ये रुद्राक्ष का पौधा जी 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 जी, थोड़ा सा लाइव देख लीजिए। ये रुद्राक्ष के पौधा है और जनकपुर से आया है और यहाँ पे ये लगाया गया जी, जी। तो यहाँ के धरती तो एकदम स्वर्ग हो गया। हाँ जी जी जी, निश्चित रूप से। और यहाँ हम लोग लक्ष्य के परिवार से और भी लोग हैं जी, जनकपुर से आया है। अच्छा, आप कभी सुने थे चाचा कि शिवलिंग का भी पौधा होता है? नहीं, अभी तक तो नहीं सुने थे, नहीं सुने थे। और रुद्राक्ष का पौधा भी नहीं सुने थे कि रुद्राक्ष पौधा होता है। हमारे लक्ष्य परिवार से लक्ष्य के सचिव हो गए, हम लोग के गार्जियन डायरेक्टर प्रतोष झा जी हो गए, ये अपना फीलिंग बताएं। अच्छा, आज के दिन कैसा लगा आपके विद्यालय में? यहाँ विद्यालय के लिहाज से तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। ये भार यात्रा का एक उन लोगों का एक पड़ाव था, यहाँ पे खाने पीने का व्यवस्था यहाँ किया गया था और उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, आमंत्रित भी किए गए थे। और विशेष रूप से प्रकाश राय जी को इस लिहाज से बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहिएगा? आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य का दिन है। 500 बरस के बाद आज मौका मिला है, हम लोग आज़ाद हुए हैं। कहा जाए तो एक तरह से हम लोग आज़ाद हुए हैं। राम जी का जन्म के अवसर पर, उनके गृह प्रवेश के अवसर पर जनकपुर से भार लेकर साधु संतों का जत्था यहाँ आया और हमारे स्कूल में पड़ाव था, उन लोग नाश्ता भोजन किया और यहाँ से फिर प्रस्थान किया और वहाँ के संतों द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। सभी राम भक्त को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी राम भक्त को यह संदेश देना चाहते हैं कि 22 तारीख को अपने अपने घर पर दीप जलाएं, राम ज्योति जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई वर्षों बाद इस तरह का माहौल देखने को मिला, महाराज जी अब क्या कहिएगा? कई वर्षों का हम लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे हुए थे इस तरह का माहौल। हम लोग तो सुनते थे ये राम मंदिर है ही नहीं, बाबरी मस्जिद है। अब उसको मैंने मोदी जी जब आए हैं, मोदी जी भी हनुमान की तरह दूत हैं एक, उनके प्रादुर्भाव के बाद ही यह संभव हो सका है। और यहाँ पर जो हो रहा था कि जय श्री राम, जय श्री राम नहीं होना चाहिए, जय सिया राम ही होना चाहिए। इसमें लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम बताते हैं, हम बता दिए हैं कि हम लोग जब शक्ति मांगने जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? भगवती दुर्गा जी के पास जाते हैं। धन के लिए जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? लक्ष्मी जी के लिए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि सिया राम, सिया के बिना राम जो हैं सो अधूरे हैं, ठीक है। उनके बिना राम की कल्पना ही नहीं हो सकती है।
राम जहाँ भी गए हैं सीता साथ साथ गई हैं, कभी उनके अलग नहीं रही हैं, इसलिए सिया राम ही होना चाहिए और सभी लोगों को जय सिया राम ही बोलना चाहिए। जय श्री राम राम बोलते हैं उनके क्या मतलब क्या बोलते? जय श्री राम जोश जगाने के लिए है, इसमें थोड़ा आप जोर से बोलते हैं, लेकिन जय सिया राम जो है सो मधुर स्वर में बोलना पड़ता है। तो आप मैंने जोश में आने के लिए जय श्री राम बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ भक्ति भावना की बात होगी वहाँ जय सिया राम ही उचित है। आज के दिन आपको कैसा लग रहा था? अरे आज के दिन ये तो हम लोगों के लिए स्वर्णिम युग है कि हम लोगों के समय में श्री राम प्रभु की भव्य मंदिर बनकर तैयार हुई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम लोग मर भी जाएंगे तो हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे बाबा हमारे बाबूजी के समय में ये हुआ था, तो इसमें हम लोगों की भी कीर्ति होगी। अच्छा आप चल रहे हैं कि नहीं अयोध्या में? नहीं हम अयोध्या नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने मंदिर में, हमारे दरवाजे पर मंदिर है शंकर भगवान का, वहाँ हम लोग इस आयोजन को जरूर करेंगे और वहीं से हम लोग अपने गांव में, वहाँ जाना हर किसी का जो नहीं, अगर समूचे भारतवासी वहाँ पहुँच गए तो उनके रहने खाने पीने का व्यवस्था कैसे हो पाएगा, इसलिए हम जहाँ भी रहें वहीं से राम का नाम लें, वहीं से जय सिया राम करें, यहीं सबके लिए। बाद में जाके आप घूम सकते हैं? हाँ बाद में जाके घूम सकते हैं, हम वहाँ से नज़दीक से आ गए हैं अभी तुरंत घूम कर। जय सिया राम।